सर आपका नाम मैं जानना चाहूंगा। करमिंदर सिंह भैया। करमिंदर सिंह जी, 8 तारीख को चुनाव है, वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि लगे रहो केजरीवाल, बहुत बढ़िया काम किया 5 साल में, क्या लगता है आपको? भैया आम आदमी को देंगे, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को लगता है काम किया? आम आदमी पार्टी को देंगे। यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं सोमदत्त शर्मा जी, विधायक हैं इलाके के, सिटिंग MLA। हमारे यहाँ ना पानी की समस्या थी, तो हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ समरसिबल करवा दिया है, जो जैसे गर्मियों में जैसे MCD का पानी नहीं आता या पानी की समस्या रहती है ना, तो हमारे यहाँ पानी का समरसिबल करवा दिया है, जो हमारे यहाँ जब हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो गई है। अच्छा। फिर बिजली पानी का भी जैसे फ्री हो गया है, दूसरा वाईफाई भी लग गया है, और क्या चाहिए आम आदमी को बेचारे। BJP का कल संकल्प पत्र आया, उनका मैनिफेस्टो। BJP ने कल कहा है कि हम 2 रुपये किलो में आटा देंगे दिल्ली में, जो आम आदमी पार्टी सरकार की योजनाएं हैं उनको हम जारी रखेंगे, जैसे कि बिजली फ्री देंगे 200 यूनिट तक, पानी फ्री देंगे, परिवहन में और बेहतरी करेंगे। क्या लगता है कि BJP का जो संकल्प पत्र है इसका फायदा मिलेगा इस इलाके में उन्हें? अभी नहीं, अभी कोई जल्दी से नहीं, नहीं लगता। आम आदमी पार्टी के लिए ले रहा। सर आपका नाम? अजय शर्मा। अजय जी, आपको क्या लगता है 8 तारीख जो करमिंदर भैया ने बोला, सेम वही आम आदमी पार्टी काम किया है इलाके में? बिल्कुल करा दिख रहा है, दिख रहा है उसमें। BJP इस वक्त चुनाव मैदान में है, और एक मुद्दा ऐसा भी है कि वो देश के नाम पर वोट मांग रही है लोगों से कि आप देश के नाम पर देश के लिए वोट दीजिए। हाँ जी, क्या लगता है? जी है ही है, वो तो हम जब MP के इलेक्शन होंगे तो उन्हीं को ही देंगे। देश के नाम पर तो जब मोदी जी के इलेक्शन होंगे तो उन्हीं को देनी है। अमित शाह जी और बाकी लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में भी देश के नाम पर वोट दीजिए आप। नहीं, अभी नहीं, अभी वो चीज़ कुछ नहीं है, अभी तो काम के नाम पर। पहले तो जो काम हुआ है, जो ये काम चल रहा है बिजली पानी का, जो आम लोगों की मेन समस्याएं होती हैं, भाई सबसे पहले गरीब आदमी को क्या चाहिए बेचारे को, भाई उसको अगर कोई आप आदमी है 10 से 15 हज़ार रुपये मैक्सिमम कमा पाता है, लेबर क्लास मिडिल क्लास आदमी, अब उस आदमी को बिजली पानी फ्री मिल जाएगा, उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ नहीं सकता, अब कम से कम उस आदमी को ये तो रहेगा कि मेरा बच्चा सरकारी में कम से कम पढ़ तो लेगा। अगर उन पर स्ट्रिकनेस होगी, जो स्टाफ है वहाँ का, उस पर स्ट्रिकनेस होती है। लेकिन BJP का तो ये आरोप है कि एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नया कॉलेज नहीं बनाया, बस एक नई DTC की बस नहीं खरीदी। उसमें क्या है, जो आम आदमी है, जो बेचारे थोड़े से मिडिल क्लास में अपर हो गए हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, भाई रेशो तो कम हो ही गई है जो प्राइवेट स्कूल की ओर भाग गए हैं, मगर जिन बेचारों के पास इतनी भी आमदनी नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें, वो बेचारे सरकारी में ही तो पढ़ाएंगे ना। और सरकारी में से विश्वास लोगों का इतना उठ गया है कि कोई भी आदमी अपने सरकारी स्कूल में पहले एडमिशन ही नहीं करवाता था, क्योंकि वहाँ पढ़ाई ही नहीं होती थी। अब कम से कम एक डर तो है, स्टिकनेस तो है, कि एक आम आदमी जो बेचारा गरीब आदमी, उसे लगता था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा। अमित शाह जी ने एक ट्वीट किया और बोला कि हमारे दिल्ली से जुड़े हुए जो 8 सांसद हैं वो स्कूलों में गए और स्कूलों की पड़ताल की, तो पता चला स्कूलों की क्या हालत है, सिर्फ ऊपर ऊपर से चमकाने के लिए चीज़ें कर दी हैं, नीचे कुछ नहीं है। ये सांसद तो पहले 7 हैं, 8 है ही नहीं। ये तो मैं भी जानता हूँ दिल्ली में 7 सांसद हैं, लेकिन अमित शाह जी ने कहा है कि दिल्ली से जुड़े हुए 8 सांसद, हो सकता है वो विजय गोयल जी को भी जोड़ रहे हो 7 के अलावा, लेकिन उन्होंने 8 की बात की, इसलिए मैंने 8 कहा। जो मिडिल क्लास आदमी है, जिसकी आबादी जो सबसे ज़्यादा है, 98% जो आबादी है ना, 97% आबादी मिडिल क्लास की ही है, जो 15 हज़ार रुपये से कम में अपना घर का खर्चा चलाती है। अब उस आदमी को अगर बिजली पानी और उसका बच्चा पढ़ लेगा तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट है ना, और क्या चाहिए आदमी। केजरीवाल के कामों से आप खुश हैं? और लोग भी हैं सर से बात करेंगे। सर आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। राजेश गहलोत जी। राजेश गहलोत है मेरा नाम। राजेश गहलोत जी, यहाँ आप यहाँ पे यहीं के निवासी हैं सर? यहीं के निवासी हैं जी, हमारी 7वीं 8वीं पीढ़ी हो ली है। 7वीं 8वीं पीढ़ी आपकी इसी इलाके में, यहीं पे आपने मतलब बहुत कुछ देखा है। हाँ जी। कांग्रेस के भी 3 विधायक रहे। हाँ जी। 93 में जब पहली बार चुनाव हुए तब यहाँ से BJP ने ये सीट निकाली थी। हाँ जी। 98 से 2013 तक कांग्रेस के विधायक रहे। उसके बाद सोमदत्त जी जीतते हैं 13 में चुनाव, JP जी को हराते हैं लगभग 790 वोटों के आसपास से, बहुत छोटा सा मार्जिन था, लेकिन 15 में धमाकेदार तरीके से फिर से जीत के आते हैं। ऐसे देखो जी, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे कि गरीब आदमियों के लिए, जैसे भैया ने हमारे करविंदर सिंह जी भाई ने हमारे भतीजे ने ये कही कि गरीबों की 15 हज़ार से, एक बात बताओ, हम सारी चीज़ें ही मुफ्त कर देंगे तो नमक हराम हो जाएंगे? नमक हराम क्यों हो जाएंगे जब उन्हें कमाने की आदत ही नहीं पड़ेगी? आप चलो आज आप आम आदमी पार्टी आपका बिजली का बिल माफ़ कर रही है, तो उसके बाद कहने का मतलब वो बिल कौन देगा? गवर्नमेंट देगी क्या हर घर में से? चलो भैया ने ये कहा कि कहने का मतलब कि गरीब आदमी तो सारे ही हैं। एक बार टोकूंगा,
केजरीवाल जी इसी बात का जवाब दे रहे हैं, वो हाँ। कह रहे हैं कि बीजेपी के जो गुजरात के सीएम हैं हाँ वो 190 करोड़ रुपए का अपने लिए जहाज खरीदते हैं, हाँ, उससे देश भर में घूमते हैं, हम वो 190 करोड़ जो है लोगों के लिए फ्री में कर देते हैं। अभी इलेक्शंस के लिए अभी टिकट की टिकट जो बंटवारे हुए हैं कि टिकट दी गई है लोगों को, तो अभी उसमें बदरपुर सरिता विहार एरिए से अभी कहते हैं कि 200 करोड़ रुपए नेताजी ने दिए हैं आम आदमी पार्टी को एक दिन पहले, अगले दिन उनकी टिकट डिक्लेयर हो जाती है और वहाँ कोई पंडित जी हैं शर्मा जी, उनकी टिकट उनकी कट जाती है। तो ये बताइए कि एक दिन पहले अगर हम किसी पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें कोई टिकट देगा? मतलब आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार है, उन पर भ्रष्टाचार है पक्का। भ्रष्टाचार के नाम पर ही आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में आई थी। देखो आप सुनिए, अभी हमारे भैया भतीजे ने कुछ भी कहा कि कहने का मतलब कि लोकसभा के लिए हम मोदी जी को दे, जब मोदी जी को आपने वोट ही देनी है तो आप उससे पर क्यों हो रहे हो? आपने बीजेपी को ही देनी है वोट और वो देंगे वोट क्योंकि उनका ईमान धर्म अंदर खाने से उन्हीं के तरफ है।